गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज के समूह विद्यार्थी 53 चले आ पिकनिक मना है तो आस करते हैं जिदा परमात्मा बिल्कुल सेफ जर्नी करे है ना सा जिदा तंदुरुस्त जा रहे हैं करो तंदुरुस्त आई बस वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। अज असी पहुंचे हाँ हिमाचल की खूबसूरत मनमोहक धरती जिथे कि इंसान का मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इन्हों नाम दौलता तो दिल के बहुत ही अमीर ने विचार इस टूर बारे बहुत वधिया माहौल है मौसम बहुत घैंट है मौसम पूरा रोमांटिक खतरी हो हाँ जी ये अपना होटल है जय होटल ते विद्यार्थी साथी ते अपना सारे जने एंट्री कर रहे हैं इधर तुसी लोकेशन देखो किन्नी घैंट ते किन्नी खूबसूरत है साथी साडे सीनियर है तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है इत्थे आके बहुत वधिया महसूस हो रहा है पर कच्चा दी वरते टप्पी फेरे हाँ जी ये अपना जय होटल है हिमाचल दे विच ते आ अपना रूम है बड़ा खूबसूरत रूम है ते साढ़े बड़े रिस्पेक्टेड ते सत्कारत योग क्लासमेट साथी जशन कल्याण जी और वीर जी अपना नाम जरूर दस्यो लवप्रीत सिंह सराहली कला तो तुहानू किवें दा महसूस हो रहा अज हिमाचल दी धरती ते विजिट कीता है तुसी बहुत वधिया महसूस हो रहा ठीक है ते होटल दीआं फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त आ आपां नूं बहुत पसंद आईआं फुल सुकून मिले दिल नूं बोल बहुत जी बहुत ठीक है। हाँ जी सत श्री अकाल जी सुबह सवेर हो चुकी है हिमाचल की खूबसूरत धरती है तो खूबसूरत वादियों के अपने विद्यार्थी साथी सुते पे है गुड मॉर्निंग हाँ जी गुड मॉर्निंग शुभ सवेर जेकर आप पंजाबी अनुवाद करांगे तो आज फिर तुम बाहर लैके चलते हैं पहलों तुम अपना जो कमरा दिखाने बड़ा खूबसूरत ते घेंट जिहा कमरा है टैलीविजन वगैरह भी लगे है कल गुरबाणी लाई सी आते ही बाबा जी की कृपा वैसे आ टेबल टूबल जहा भी आ पढ़ना गए ने बाकी पढ़ने वाले हाँ जी तुहानू दिखाइए फिर कुदरत का नज़ारा कुदरत की गोद के आए हुए हैं हिमाचल की धरती से तो आज फिर तुहानू दिखाने पिछों कि नज़ारा है आज बाहर लै चलिए तुहानू हाँ जी देखो जी कि वधिया ते घेंट खूबसूरत नज़ारा है हिमाचल दीआं वादियां दे विच किवें लगा फिर तुहानू हिमाचल लाओ जी देख लो तुसी इनवायरमेंट बड़ा वधिया इनवायरमेंट है जी सारे उठ चुके ने चाह जी बन रही है तो इधर असी बालकनी दे विच आए हाँ आ अपने रूम की बालकनी है लव हाँ जी मित्रों किदां दा लग रहा है नज़ारा हिमाचल प्रदेश पालमपुर HP इधर तुसी देखो कितना खूबसूरत दृश्य है मन भाउंदा दृश्य है सुकून मिलता दिल नूं इत्थे आके सारे दुख दूर हो जाते हैं इंसान की जिंदगी दे विच बड़े रुझेवें टेंशन होंदियां ने पर इत्थे आके वो अपने आप नूं एकदम ताज़ा तरो महसूस करदा ते टेंशन तो मुक्ति एटोमैटिक ही पाउंदा है तुसीं भी घूमया फिरया करो इधर तुसीं देखो किन्ना घेंट जिहा मौसम ते किन्ना खूबसूरत जिहा नज़ारा है और सामने बदल नज़र आ रहे होने हैं तुहानूं बदलों के उत्ते पहाड़ है इधर घर कुछ इस प्रकार के होंगे हैं तो इधर बड़ा वधिया व्यू है वाव सुपर खूबसूरत नज़ारा है
ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अपने गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज सराहली कला जिला तरन तारण के समूह विद्यार्थी पालमपुर के पुजे हुए थे। इस वक्त अपने होटल तो बाहर निकल गए जिथे इन्होंने ठहरन का प्रबंध किया हुआ सी। चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। आज तुम दिखाने दृश्य आले दुआले का कि खूबसूरत है, मन भाता दृश्य है। और अगे सारे विद्यार्थी साथी है, तो पिछे तुम विद्यार्थना साथना देखी होनी है। इधर देखो एकदम पहाड़ों के बर्फ जमी हुई है, तो हुण सूरज भी निकल चुका है, तो जी पिघल जा रही है बर्फ। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है, स्वीटनेस ही है नज़ारा है। इधर देखो तुसी गाइस, हम जा रहे हैं और जो हमारी टीम आ रही है और जो हमारे उस्ताद जी है, ये देखिए उस्ताद जी विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए, आज पक्का जीत कर जाएंगे हम, इसका मतलब ये है। ठीक है, और अभी हम जानवरों में जा रहे हैं। जानवरों में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम सबसे बड़ा हमारा जानवर तो नहीं बोल सकते, पांडा। हाँ जी, असं पहुँच चुके हैं चिड़ियाघर गोपालपुर के। सामने तुहानू डेमो नज़र आ रहा होना, ये भालू नाल पंछी पता नहीं कहड़ा है, तो नाल चीता है। सो गाइस, आप हुणे एंट्री कर चुके हैं पालमपुर गोपालपुर चिड़ियाघर, और सारे ही विद्यार्थी साथी अद्धे पहलों आ गए अद्धे हुण। और टिकट विंडो सारा कुछ सामने सामने इतने जानवर पाए जाते हैं ना, हिरन। असली दिखावांगे तुहानू हुण। होर वीरे कैम हो सारे, एक्साइटेड हो जानवर जूनवर देखने लगे? हाँ जी, दोबारा बोलो क्या हाल है। एकदम अच्छा, ठीक मन सुने नहीं पहले। ठीक है, सर सर पहुंच चुके ने। और सर बहुत बढ़िया, तुर के इन्नी दूरों थके नहीं यार? तुर के पूरा है ना, नज़ारा है। ए हुण किदां, फिर टिकट टुकट कटा के फिर अंदर जावांगे? ये तो पता नहीं पहुंच गया मैंने। ठीक है, ठीक पुज चुके हैं चिड़ियाघर जिस तीन भालू नजर आंदे हाले, बाकी कोई पता नहीं। अगे पार्क, पार्क के देखते हैं की कुछ है। वाह देखो पालू, सो गाइस आप जा रहे हैं इस वेले चिड़ियाघर के गोपालपुर पालमपुर के बिल्कुल नज़दीक है। असी ठहरे हुए हैं जी नगरी के, काला भालू दिखाता भाजी। Thank you.
गोपालपुर। शौचालय वगैरह है इधर, बच्चे वाशरूम वगैरह हूँ जा रहे हैं। सो ये पार्क है भाई, तो गाइस आप पहुंच चुके हैं चिड़िया घर के। इधर सब तो पहला शकू कुमा नजर आ रहा। आ देखो मूवमेंट करता है अपनी जी गर्दन, कदे बाए ते कदे दाए हिलाउंदा। केड़े पंछी है बाज, राजे केड़े पंछी है बाज है बाज बहुत घंट पोज मारिया पंछी ने, पोज मारिया बोट वांग चाहुंदा ओह गल्ला ही। आए फिर अगे अगे ग्रे पीकॉक फीसेंट, अफ्रीकन स्लेटी तोता, आ मरगा देसी मरगा जी, रेड जंगल फॉल। आ जाओ आ जाओ, चकोर चकोर चन चकोर कलीज फीसेंट अपना राष्ट्रीय बच्चा लोग। हाँ जी गाइस, थके नहीं भाई? जोश शेर में देख के जोश आ गया होना। बल्ले भाजी आ जाओ की देखियो लो भी कहते पिछे नवाबिया तो वाह सची ते मंगाए थे नरेंद्र मोदी जी ने, ते आ तेंदुआ देखो तुसी तेंदुआ चाह पिया जाके। चलो पेंदुआ कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, एक ही है। लगता है इसको कमल पड़ गया है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये पड़ गया फिर केले के दम मस्त के बैठा ना। तेनु गाना वा सुनदा नहीं है, लैन जी आउंदा शेर देखिए साजी सुनदा नहीं माई पूछते, बिल्कुल मगन होके बैठा है जाली में से नजर आ रहा। मेरी गल सुन, टप दोग वेखी वास होंदा इधर नहीं कोई शेर ते इधर पर तेरी नहीं कहने सुन तेनु जक लाई किवें बदले डरदा ना कुत्ते नु जक लाई उदा सुत्ते बेचारे ओए विक्रम माड़ा जा टप गया पालू जी। एक्सक्यूज मी ब्रदर, तेरे ब्रदर ने तेरी गल सुनी यार सुत्ते पया मगन होया नींद च।
ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਭਾਲੂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਲ ਕੀਟ ਬੈਰੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਕੋ ਚੰਦਰ ਭਾਲੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੀ ਛਾਤੀ ਮੇ ਆਧੇ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਆਕਾਰ ਕਾ ਸਫੇਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਦੀਓ ਮੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਕਮੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਤ ਨਿਦਰਾ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਸੇ ਮਾਰਚ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜਨਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇਸਕਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸੇ 30 ਵਰਸ਼ੋਂ ਤੱਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲੇ ਭਾਲੂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਆ ਸਾਂਬਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ 'ਚ ਉਥਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਘਾਹ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਆ ਸਾਂਬਰ ਚਲੀਏ।